फीट वेट ऑन दिस अर्थ सरफेस। अब आपको ऊपर जाना है, ठीक है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाना। अब अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाए हम लोग, जिससे वेट जो है 1/16 हो जाए यार। चलो अर्थ के सरफेस से अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ये अर्थ है, और अर्थ के सरफेस से मान लो यश हाइट में ऊपर चला गया, और यहाँ पर जो वेट था डब्लू था, यहाँ पर वेट डब्लू डैश हो गया, जो कि डब्लू डैश 1/16 है ग्राउंड का, 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, चलो अब इन दोनों को कम वेट ऑन द अर्थ और डब्लू डैश का इक्वल है, ठीक है, ये तो इसका मतलब है, एक मिनट, तो जो डब्लू डैश है उसकी हमें वेट ऑन द अर्थ एट व्हाट हाइट, हाइट पूछा ना, तो डब्लू डैश इज इक्वल टू 1/16 डब्लू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो डब्लू डैश की वैल्यू बोलो, वेट इज इक्वल टू एम जी डैश इज इक्वल टू 1/16 और ये आ जाएगा एम जी ऑन द अर्थ। तो एम नहीं, हमको अब हमको पता नहीं है कि वो हाइट छोटा है कि बड़ा है, तो ऑब्वियसली मैं एक्चुअल वाला फार्मूला लगाऊंगा, जी डैश इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी आर आर प्लस एच का, थोड़ा अच्छा से लिखता हूँ, जी आर आर प्लस एच, आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 और ये जी, तो जी ने जी को, ठीक है, और ये हाइट निकाल लो तो 1/16 इसका मतलब आर, और आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/4 इसका मतलब ये होगा कि 4r इज इक्वल टू आर प्लस एच, तो h इज इक्वल टू 3r, मतलब 3r पे चले जाओगे तो वेट कुछ इतना रह जाएगा 1/4।